हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फैक्ट। मैं हूं श्रद्धा पांडे। कल यानी 1 जुलाई से इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो रीस्केड्यूल टेस्ट मैच खेला जाने वाला था उसका आगाज जो है हो चुका था। और आगाज जो है भले ही बहुत ज़्यादा निराशाजनक रहा हो, लेकिन जो अंत हुआ है कल का, यानी जब स्टंप्स हुए थे कल का जो पूरा दिन था उसका अंत हुआ है, वो स्टंप्स जो है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से खत्म हुए, यानी बहुत ही अच्छे मोड़ पर जो है मैच आता हुआ नजर आया था। और इंडिया की जो है काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस कल हमें देखने को मिली। बाद में शुरुआत में हालांकि इंडिया को काफ़ी ज़्यादा झटके लग चुके थे शुभमन गिल के तौर पर, या फिर हम बात करें चेतेश्वर पुजारा के तौर पर। और ऑल इन ऑल अगर हम बात करें तो इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है वो एक तरीके से पूरा का पूरा ध्वस्त होता हुआ कल हमें नजर आया था, जिसका ज्यादा श्रेय जो है जिमी एंडरसन, यानी जो इंग्लैंड के धाकड़ बॉलर है, उनकी वजह से जो है हमें इंडिया का टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से फेल होता हुआ नजर आया था। लेकिन उसके बाद जब इंडिया जो है 98 रन्स पर 5 विकेट खोकर खड़ी हुई थी, उसके बाद आए ऋषभ पंत। जी हाँ, 5 फुट 5 इंच के उत्तराखंडी नौजवान की जब एंट्री हुई तो सारा जो माहौल है वो एक तरफ हो गया। एक तरफा पहले इंग्लैंड की तरफ झुका हुआ था, लेकिन उसके बाद जब ऋषभ पंत की एंट्री हुई, जिनको टेस्ट का बादशाह कहा जाता है, उनकी एंट्री के बाद जो माहौल है वो पूरा का पूरा जो है पलट गया और इंडिया की तरफ जो है पूरा का पूरा झुक गया। डोमिनेंस जो है उसके बाद इंडिया की रही। उसके बाद अगर हम बात करें ऋषभ पंत की, तो ऋषभ पंत ने जो है अपना 5वां शतक कल जड़ दिया था और इंग्लैंड के खिलाफ जो है दूसरा शतक जड़ दिया था। तो इसीलिए 5वें शतक जैसे ही उन्होंने जड़ा और आखिरी रन जब उन्होंने लिया, तो उसके बाद जो है राहुल द्रविड़ का रिएक्शन देखने वाला था। जी हाँ, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे डगआउट में, वो और सभी साथी जो है भारतीय साथी खिलाड़ी जो है वो सभी जो है बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। सभी ने काफ़ी अप्रिशिएट किया था पंत को, क्योंकि पंत ने जो है मात्र 89 बॉल्स में शतक जड़ दिया था, यानी मात्र 89 बॉल्स में 100 रन्स जो है पूरे कर लिए थे, और जिसके साथ ही उनका 5वां शतक भी पूरा हो गया था और इंग्लैंड के खिलाफ जो है दूसरा शतक उनका पूरा हो गया था, जो कि सबसे फास्टेस्ट माना जा रहा है। इससे पहले अगर हम बात करें, MS धोनी ने 93 बॉल्स में 100 जड़े थे, और उसके बाद अगर ऋषभ पंत की बात करें तो ऋषभ पंत ने 89 बॉल्स में जो है 100 जड़ दिया, यानी शतक जड़ दिया था। और उसके बाद राहुल द्रविड़ का, जैसे कि हमने आपको बताया, रिएक्शन जो था देखने वाला था, काफ़ी खुश थे और एक फील ऐसा हो रहा था उनके एक्सप्रेशन को देख के कि भाई इसीलिए मैं ऋषभ पंत को बैक कर रहा था। क्योंकि अगर आपको याद होगा, जब ऋषभ पंत जो है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो 5 मैचेस की सीरीज थी, उसमें ऋषभ पंत को कप्तानी दी गई थी, यानी कप्तान के तौर पर हम ऋषभ पंत को देख रहे थे, उस टाइम पे ऋषभ पंत जो है बल्ले से काफ़ी ज़्यादा फ्लॉप होते हुए नजर आए थे। तो राहुल द्रविड़ एज अ कोच उन पर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे थे कि आप ऋषभ पंत को क्यों खिला रहे हैं भाई, जब इनकी फॉर्म ही सही नहीं है तो आप इनको क्यों खिला रहे हैं। तो उसका जो है मुँह तोड़ जवाब देने वाला जो एक फेशियल एक्सप्रेशन होता है वो कल हमें राहुल द्रविड़ के फेस पर देखने को मिला, और ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे कि क्योंकि ऋषभ पंत जो है काफ़ी ज़्यादा उनके चहीते रहे और काफ़ी ज़्यादा बैक करते हुए नजर आते हैं राहुल द्रविड़ ऋषभ पंत को। तो एक शानदार पारी का अंत हुआ 146 रन्स के बाद, यानी जो रूट ने जो है 146 रन्स पर ऋषभ पंत को जो है स्लिप में आउट कर दिया था, और एक जो बहुत बड़ी ऐतिहासिक पारी थी उसका अंत हो गया था। तो कमेंट्स के जरिए आप भी हमें ज़रूर बताएं कि राहुल द्रविड़ के इस रिएक्शन को देख के आप क्या कुछ कहेंगे और कितना प्राउड फील हुआ आपको ऋषभ पंत ने जब इंग्लैंड की सरजमीन पर अपना दूसरा शतक जो है पूरा किया। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।